मैटर। देखिए ग्रेफाइट को देखते हैं, हम लोगों ने डायमंड कर लिया था कल, याद होगा आपको। ठीक है बेटा, डायमंड क्लियर था। जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि तीन दिख रहा है तो एक बेटा पीछे भी होता है, आपके पीठ के पीछे आप कैसे देखोगे, है ना, पीठ के पीछे। हाँ, सामने देख सकते। चलिए, अरे स्लाइड नंबर 5 ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट की बात करें तो जनरल प्रॉपर्टी क्या है, इट इज अ ग्रेइश ब्लैक जो कि आपके पेंसिल में के अंदर होता है, ऑपेक सब्सटेंस। इट इज अ लाइटर देन डायमंड, ये डायमंड से हल्का होता है, स्मूथ एंड स्लिपरी टू टच। ठीक है, समझ रहे बात को। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पेंसिल की नोक उधर से दोनों तरफ साइड से छिल करके अगर लगा दीजिएगा, ये तो मैंने आपको बताया है ना, तो आपको मजे आएंगे। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बट बैड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन अगर आप आग पे रख दोगे, एक तरफ गैस के बर्नर पे रखोगे और इधर टच करोगे, तो आपको गर्माहट का एहसास नहीं होगा, क्योंकि बैड कंडक्टर। हीट का बैड कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। आ गया गर्मी, हाँ। किसकी बात कर रहे हो आप, उसी की बात कर, ग्रेफाइट की बात कर रहे हो ना। ग्रेफाइट जैसे मान लीजिए कि पेंसिल है आपकी, एक तरफ से ये दूसरी तरफ से छिल देंगे ना, तो ये पूरा बीच में ग्रेफाइट के लेड है, आप उसमें डालेंगे तो आपको करंट लगेगा, क्योंकि गुड के साथ ये भी गर्म होगा। हाँ, वो तो करंट के साथ गर्म होना कोई जरूरी नहीं है, मेरे पास नहीं ना, डाल के देखो। ए, नहीं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है ना, हीट इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा, करंट लग जाएगा। नहीं सर, करंट से इसमें हीट होता है, जब करंट लगेगा। अब बेटे देखो, ये चीज का तो मैं ये नहीं कहूँ कि आप डेमो लो और मैं डेमो दूँ, ये दोनों में नहीं। वो दो लाइट होती है ना, वो जो उसमें, हाँ हाँ, उसमें एक लगा के देखा। पता नहीं बेटे, हमने तो ऐसा कुछ कभी स्टंट नहीं किया और हमें डर भी लगता है। कीप क्वाइट पिलू। अ ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कार्बन एटम और सीड्स ऑफ कार्बन एटम। ग्रेफाइट भी कार्बन एटम के सीड से या उसके एटम्स जो होते हैं एक साथ जुड़ने से बना होता है। तुम लोगों ने मेरा फोन यार कहा, उसका फोन पे लगा है, मास्टर का फोन नहीं। स्ट्रक्चर देखते हैं। ईच कार्बन एटम इन अ ग्रेफाइट लेयर इज ज्वाइन टू थ्री अदर कार्बन एटम। ठीक है, एक कार्बन एटम जब तीन अलग कार्बन एटम से जुड़ता है, हर एक कार्बन एटम तीन कार्बन एटम से जुड़ेगा और एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ग्रेफाइट में जिस तरह आपको पता है ना कि डायमंड में एक कार्बन एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ था, बोला किसने सर, डायमंड में कितने से जुड़ा हुआ था, चार से, और ग्रेफाइट में तीन से, बस यही दिमाग में रखना, सेमी कार्बन ही दोनों। हाँ ठीक है, एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म फ्लैट हेक्सागोनल रिंग। हेक्सागोनल तो समझ ही रहे होंगे, हेक्सा मतलब क्या होता है विधि, हेक्सा मतलब सिक्स, हेक्सागन, ठीक, सिक्स कॉर्नर्स होंगे, बिल्कुल से हेक्सागोनल रिंग। हाउएवर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम इज फ्री व्हिच मेक्स इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बोला कि कार्बन का एक एटम तीन एटमों के साथ जब जुड़ता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का बनता है। ठीक है, और इसमें जैसे अब एक तीन से जुड़ रहा है तो टोटल कितने हो गए कार्बन के, चार एटम, इन चार में से एक एटम हमेशा फ्री स्टेज में रहता है। चार हो रहे हैं ना, तीन ले रहा है और एक पहले से है, तो एक कार्बन का एटम तीन और के जुड़ने के साथ क्या होता है कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन इसमें एक जो कार्बन इन चारों में से होगा ना, वो फ्री स्टेज में होता है, और जब कार्बन फ्री होता है मतलब क्या हुआ, उसका अट्रैक्शन फोर्स लूज होगा, तो उसमें करंट मतलब कि क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर इस कारण बन जाता है वो, क्योंकि मूव होते रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन। मैं और चीज समझाऊंगा, चिंता नहीं, जी एनर्जी, एनर्जी सेल्स जो होते हैं ना चारों तरफ, उसे मूव होगा तभी तो करंट को फ्लो करेगा वो, और वो इधर से घुसोगे तो पीछे से करंट बन जाएगा। जी बिल्कुल, नहीं ना, हमें तो आता ही है। The various layer of carbon atom in graphite are held together by weak van der Waals
forces, so these can slide over one another, and therefore graphite is slippery to touch. देखिएगा यहाँ पे weak van der Waals, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें इस तरह का एक फोर्स के कारण जुड़ा हुआ है जो कि एक के ऊपर दूसरे है ना स्किट करते रहते हैं, मतलब स्लाइड करते रहते हैं इस तरह से जी, तो इसके कारण स्लिपरी होता है, मतलब उसके ऊपर फिसलनदार होती है, बिल्कुल एकदम स्मूथ सतह होती है ग्रेफाइट की। फ्लोरेंस हाँ हाँ सुनता हार्ट मजबूत होता है। दिस को समझ में आया ग्रेफाइट, ग्रेफाइट समझ में आया ठीक है। फ्लोरेंस दीज आर रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ये बहुत बाद में खोजा गया है ठीक है, विच वर प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एच डब्ल्यू क्रोटो स्मैली एंड रॉबर्ट कर्ड बाय द एक्शन ऑफ लेजर बीम ऑन द वेपर्स ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के वेपर्स मतलब भाप पे जब लेजर बीम, लेजर लाइट होती है ना, लेजर बीम डाली गई, तो उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा एच डब्ल्यू क्रोटो स्मैली और रॉबर्ट कर्ट ने इसका मतलब फ्लोरेंस का निर्माण किया। ये भी कार्बन का ही एक अपरूप है, समझ रहे हैं आप मेरे को? कार्बन जो होता है, ये जितने भी है कार्बन के अलग अलग फॉर्म से, आपने ग्रेफाइट देखा, आपने डायमंड देखा, तो फ्लोरेंस भी है ना उसी तरह का एक, इसको आर्टिफिशियली मतलब बनाया गया। वो किस तरह से? हाँ, डायमंड भी बनाया जा सकता है। इसको साइंटिस्ट ने, जैसे तीन साइंटिस्ट का नाम मैंने लिया, इसमें क्या हुआ, जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जब जलाओगे तो भाप बनेगी ना किसी चीज के जलने से, वेपर, वेपर, और उस वेपर पे जब लेजर बीम डाली गई तो उससे ये चीज प्रिपेयर हुई। अब देखो कैसे, द फर्स्ट नॉन फ्लोरेंस वॉज C16 विच कंटेन 60 कार्बन एटम्स। पहला जो फ्लोरेंस, जब वो ये नॉर्मल वाली लाइट जो हम यूज करते हैं, क्या वो? नहीं, उनका अपना एक्सपेरिमेंटल होगा, ये तो ये लेजर लाइट नहीं होती बेटे, लेजर लाइट तो आपको पता है ना कि बॉडी के आर पार हो सकती है ना, ऑपरेशन में काम आता हो तो। द फर्स्ट नॉन फ्लोरेंस वाज C16 व्हिच कंटेन 60 कार्बन एटम्स विद स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ C70 एंड ट्रेसेस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग इवन अप टू 370 कार्बन एटम्स। फ्लोरेंस C16 वाज नेम्ड Buckminster fluorines due to their resemblance in structure with geodesic domes designed and built by the American architect Robert Buckminster. Buckminster fluor. C16 सबसे पहले खोजा गया, और ये फ्लोरेंस जो है, बोलते जी ना, C60 कर रहा हूं मैं, नहीं 60, सॉरी C60 C60 मतलब कार्बन के 60 एटम्स जब एक साथ जुड़ करके किसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो उसी को फ्लोरेंस कहते हैं। क्लियर है ना? याद रखिएगा। और ये फ्लोरेंस अलग अलग फॉर्म में भी हो सकता है, किसी में 60 होता है, किसी में 70 और 370 तक जा सकता है। C60 जो फ्लोरेंस है, इसको हम लोग बकमिस्टर फ्लोरेंस भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है अमेरिकन आर्किटेक्ट ने इनको सबसे पहले बनाया। मजा आ रहा है आपको? पता है मतलब? स्कूल में भी? परसों यही पढ़ा है। खत्म हो गया सब? तुम लोग को भी? चिंता मत करिए, हमारा होना चाहिए। स्कूल का हम कुछ नहीं मानते। स्कूल से पढ़ के कौन सा आप लोग तीर मार रहे हैं? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल मतलब जैसे आपको पता है कि मैंने अलग अलग तरह के रूप हैं इसके, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, डांसर भी हो, सिंगर भी हो, एक्टर भी हो, है ना, खाना भी अच्छा बना लेता हो, मतलब बहुत सारी चीजें, तो वर्सेटाइल टैलेंट उसमें। अरे मैडम क्या बोलेगी? द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड नोन टूडे इज अबाउट 3 मिलियन। कार्बन के जितने भी कंपाउंड अभी पाए जाते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, कंपाउंड नोन टुडे इज अबाउट 3 मिलियन। 3 मिलियन के जितने कंपाउंड पाए जाते हैं नेचर में कार्बन के। बट नाउ द क्वेश्चन इज विच प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज नमस्ते जी।
ठीक है, तो ये तो पता चल ही गया कि लगभग 3 मिलियन से भी के लगभग हमारे पास ये कार्बन की बहुत सारा उसके अंदर है ना चीजें होता, मतलब बहुत सारा टाइप्स हो, बहुत सारे टाइप्स होते हैं कार्बन के, सेरनी रख दे कार्बन, समझ में आएगा देखिए, बस कार्बन के टाइप्स बताए गए ना, कंपाउंड की अलग अलग, कंपाउंड क्या होता है बेटे, जब कार्बन जुड़ेगा तभी तो कंपाउंड बनाएगा, सिंपल सी बात है। अबाउट अबाउट देखेंगे, कैटेनेशन द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, अच्छा कैटेनेशन द प्रॉपर्टी ऑफ, हमारा प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही है, अरे यार वो पर्दा ठीक करिए विधि, जैसे आप करिए उसमें हैं यही तो कर दिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मेनली सी एटम्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांच चेन एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज इज कॉल्ड कैटेनेशन। ठीक है, समझ में आप लोगों, तुम समझाओ भैया क्या होता है कैटेनेशन का मतलब, चेन बनाना और इतना सिंपल सा, पक्का पक्का सर, ये लिख देगा पेपर में, ये लिख दियो चेन और लिख दिया तो देखो तो मार्क्स है बट इन इंग्लिश में, हां तो बोलो ना, हां तो कैटेनेशन मींस मेकिंग चेन, देखिए चेन और रिंग्स बना, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेल्फ लिंकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मेनली सी एटम्स थ्रू, बोल एलिमेंट्स, अच्छा द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स या मेनली सी एटम्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांच चेन्स एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इज कॉल्ड कैटेनेशन। बस कार्बन जो मैक्सिमम पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट टेबल, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की सेल्फ ये लिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन में खुद ही ये प्रॉपर्टी होती है, कहीं और दूसरे के साथ उसको नहीं कुछ ऐसे प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, कार्बन शोज मैक्सिमम कैटेनेशन इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्ग सी बॉन्ड। ठीक है, कार्बन का ही सबसे अधिक अपरूप आपके लिए बता रहे हैं, इसलिए होता है कोवलेंट बॉन्ड, इसलिए होता है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है और जो स्ट्रॉन्ग जो कार्बन का जो सी एटम होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, किसी के साथ बॉन्डिंग अच्छे से बना सकता है, इस किसी के साथ मतलब कि मोस्टली अब शिवा के साथ कार्बन एटम बनाएगा तो शिवा पता है भभूती हो जाएगा, इनके साथ कैसे होगा, तो इतना कर रहा है आप ही कहें, किसी के भी साथ, हर के साथ तो नहीं कहना, सभी के साथ और किसी के साथ मतलब होता है एनी एंड एवरी, अलग अलग है ना, एलिमेंट्स अदर देन कार्बन लाइक सल्फर सिलिकॉन ऑल्सो हैव अ टेंडेंसी टू शो द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, सल्फर और सिलिकॉन के पास भी ये टेंडेंसी होती है सेल्फ लिंकिंग की, कैटेनेशन बट टू अ मच लेसर एक्सटेंट ड्यू टू लेस बॉन्ड एनर्जी और स्ट्रेंथ, लेकिन कार्बन जितना मजबूत नहीं होगा बॉन्डिंग और इतना एनर्जी वाला नहीं होगा। ठीक है, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या है, कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 में हमारा कार्बन आता है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 6 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 एंड 4, दस इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, जैसा कि आपको पता है, हेंस इट्स वैलेंसी इज 4, एग्जाम्पल इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग और पेयरिंग विद 4 अदर कार्बन एटम्स, और विद वही बात है, तो मतलब इससे ज्यादा हो नहीं बेटे, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन का मतलब ये हुआ कि यहाँ कार्बन बिलोंग टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इट्स एटॉमिक नंबर इज 6, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, तो ये कितना लेगा, 4 ही लेगा ना, क्योंकि K और L सेल में 8 होता है तो और 4 ही ले सकता है, yeah, because carbon has 4 valence, so it is called tetravalent, एक सेकंड रुक जाइए, इसके मैं बता रहा हूँ,
इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग और पेयरिंग विद फोर अदर कार्बन एटम्स और विद द एटम ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन हैलोजन क्लोरीन और ब्रोमीन जो होता है एक्सेट्रा. मतलब ये चार के साथ बॉन्डिंग करता है इसलिए इसको टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन कहते हैं. चार के साथ ही तू करेगा ना बेटे, क्योंकि उसके पास वैलेंसी क्या है, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार है, तो इसलिए उसको टेट्रा वैलेंसी कहते हैं. कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होगा लेकिन चार होने के कारण उसको टेट्रा वैलेंसी भी कहते हैं. टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज कार्बन हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म अ मल्टीपल बॉन्ड्स. इधर देख उधर मत. डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बाय शेयरिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन पेयर विद इट्स ऑन एटम. जैसे मैंने आपको बताया था ना डायमंड में चार ही इलेक्ट्रॉन क्यों माने कि उसके साथ कंबाइंड होते हैं बॉन्डिंग बनाते हैं, क्योंकि कार्बन चार से ज्यादा किसी के साथ बॉन्ड कर ही नहीं सकता. ठीक है ना, इस तरह से मतलब एक दो तीन चार कैसे बॉन्डिंग बना सकता है. ड्यू टू इट्स स्मॉल, फिर से सुन लो, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज कार्बन हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स ओके बाय शेयरिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन पेयर विद इट्स ऑन एटम और विद द एटम ऑफ एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एक्सेट्रा. या तो खुद के एटम के साथ कार्बन, दो कार्बन के एटम मिलकर ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो एक तरफ कार्बन दूसरे तरफ ऑक्सीजन के साथ, तो कभी नाइट्रोजन के साथ सल्फर और के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं. एज ए रिजल्ट इट कैन फॉर्म अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स दैट आर एक्सेप्शनली स्टेबल. ठीक है, और इस तरह से बहुत सारी वैरायटी ऑफ कंपाउंड ये बना सकता है. ये मेरे समझ में नहीं आ रही, फिर बार आता कौन सा टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स. ये पहले तू खा ले. कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है शिवाजी, चमकते हुए देखें आप, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग भी होता है, जिस कारण से ये मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकता है, जिसमें कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है. इसके छोटे साइज के एटम के कारण, सी एटम जो छोटा साइज और स्ट्रॉन्ग साइज स्ट्रॉन्ग होता है, इसी के कारण से इसमें होता है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड. कार्बन ही क्यों, आखिर वही क्यों बॉन्डिंग करता है, क्योंकि भाई उसका जो एटम होता है वो ज्यादा स्मॉल भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है. स्मॉल होने के चलते बहुत सारे एक साथ जुड़ सकता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड, अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है 11th 12th आप लोग. द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट इट्स ऑक्साइड्स कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, कार्बन का ऐसा कंपाउंड एक्सेप्ट इट्स ऑक्साइड कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट. आप अगर कार्बन के कंपाउंड में से अगर ऑक्साइड के साथ अगर बना रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसको निकाल दो, कार्बोनेट को निकाल दो, हाइड्रोजन कार्बोनेट को निकाल दो, तो इसके बाद ये किसी के साथ भी कंपाउंड बनाएगा तो ऑर्गेनिक ही कहा जाएगा इन तीनों को छोड़ करके. क्लियर है? ठीक है. दिस कंपाउंड्स वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस एंड इट वॉज थॉट दैट दिस कार्बन कंपाउंड्स कुड ओनली बी फॉर्म्ड विद इन अ लिविंग सिस्टम. ठीक है, दस इट वॉज postulated that a vital force was necessary for their synthesis. In 1828, German chemist Friedrich Wöhler accidentally prepared urea from ammonium cyanide. When he was trying to prepare ammonium cyanide by heating ammonium sulfate and potassium cyanide, the synthesis of urea discarded the vital force theory. देखिए, ये जर्मन केमिस्ट थे, इन्होंने जो फ्रेडरिक ओलर नाम इनका, इन्होंने अमोनिया क्या बनाना चाह रहे थे, प्रिपेयर अमोनियम साइनाइड बनाना चाह रहे थे, और इसके लिए इन्होंने क्या किया था, अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनाइड के साथ मिला करके, दो केमिकल को मिला करके गर्म कर रहे थे, और तभी जा करके वाइटल फोर्स थ्योरी. नहीं, मेरी बात सुनना, बनाना तो वही चाह रहे थे लेकिन बन कुछ और है. एक्सीडेंट तब हुआ, बनाना तो वही चाह रहे थे, क्या बनाना चाह रहे थे, अमोनियम साइनाइड बनाना चाह रहे थे, और बन गया यूरिया, और इसी से वाइटल फोर्स थ्योरी नाम की चीज है.
आगे देखिए इसमें हाइड्रोकार्बन क्या है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन का ऐसा कंपाउंड जिसमें बेटा या तो हाइड्रोजन कार्बन ही होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सी एच फोर सी टू एच सिक्स सी टू एच फोर एंड सी टू एच टू दीज आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑल अदर कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम देम बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। CH4, C2H6, C2H4, C2H2 ये जो है इसको हम क्या कहते हैं सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसी में से हाइड्रोजन कंपाउंड को रिमूव करके या किसी दूसरे तरह से अरेंज करने के बाद ही कोई दूसरे तरह का हाइड्रोकार्बन बन सकता है, ठीक है, रिप्लेसमेंट से। ये सबसे सिंपलेस्ट है। द हाइड्रोकार्बन कैन बी क्लासिफाइड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्काइन्स और प्रेफिन्स, ठीक है। कहने का मतलब है ऐसा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन एटम जो लिंक रहते हैं जुड़े रहते हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के कारण जुड़े रहते हैं उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब देखो इसको मैं समझाता हूं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इन सी एन एच टू एन प्लस टू वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ हाइड्रोकार्बन। अब एग्जांपल अगर आप लेंगे, इफ देयर इज ओनली वन कार्बन एटम देन इट्स फॉर्मूला शुड बी सी वन एच टू इंटू वन इंटू टू। क्या चमक रहे हो सिवा, क्या हो गया सिवा ना, ऐसा तो नहीं करता ही इसीलिए चमक रहा है। अच्छा सी टू एच टू इंटू टू प्लस टू तो सी टू एच सिक्स इथेन बन गया, समझ रहे ना, क्या बन गया, इथेन इथेन इथेन। बेटा चश्मा लगाओ, फोन निकालो, नीचे वाला देख, नीचे वाला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, समझ गए, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, फिर से सुन लीजिएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जब रहेगा उसमें कार्बन एटम का तभी जाकर के वो क्या होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा जी। और अनसैचुरेटेड तब होगा दे हाइड्रोकार्बन विच एटलीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम डबल तो होना ही चाहिए। ये समझाएगी, समझाओ सुने या ध्यान। द हाइड्रोकार्बन इन विच एटलीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि एक से अधिक अगर बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होगा इज प्रेजेंट अलोंग विद सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो उनको असंतृप्त कहा जाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाएगा। दिस कंपाउंड जनरली बर्न विद सूदी और स्मोकी फ्लेम ड्यू टू देयर इनकम्प्लीट कंबशन। इसमें क्या होता है कि जब भी आप जलाओगे ना तो अच्छी तरह से जलेगा नहीं और ज्यादा धुआं निकाल करके, मतलब जैसे नहीं कुछ जलता है धुआं ज्यादा करे फ्लेम कम निकाले, उस तरह से जलेगा। दीज आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंपेयरली ये ज्यादा रिएक्टिव होता है एंड जनरली अंडर गो एडिशन रिएक्शन विच इज डिस्कस लेटर। देखिए और इसमें क्या होगा, दीज आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव होता है, पहली बात, एंड जनरली अंडर गो एडिशन रिएक्शन, और ये क्या होगा एडिशन रिएक्शन में ये आगे पार्टिसिपेट करेगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड आर फर्दर डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग टू क्लासेस। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जितने भी होंगे ना उनको दो और ग्रुप में हम आगे बांट सकते हैं, वो कैसे, एल्काइन्स और ओलिफिन्स। दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैव एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड अलोंग विद सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्काइन्स, ठीक है। मतलब कि ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो भी होगा उसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होगा ही, और वो किसके साथ जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ, तो उसको एल्काइन कहेंगे। एग्जांपल भी देखिए, अ डबल बॉन्ड इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू कार्बन एटम। दो कार्बन एटम के बीच में पेयर ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर होंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n, आपको पता है n यहां पे नंबर ऑफ नंबर होता है, n refers to number। If an alkyne have two carbon atom, कोई alkyne के अंदर मान लीजिए टू कार्बन एटम है तो n is equal to two हो गया। फॉर्मूला क्या होगा, C2H2 into 2 is equal to C2H4, इथेन बन जाएगा। क्लियर है, आगे चलिए, चिंता मत करिए, जल्दी ही आप लोग को 10 ईयर इससे कराएंगे तब देखेंगे किसको कितना समझ में है। शिवा का कल टेस्ट है इसका, 10 ईयर से दे रहे हो टेस्ट, गुड। एल्काइन्स इसमें दो टाइप्स में था, अनसैचुरेटेड, पहला मैंने क्या बताया, एल्किन्स, ओलिफाइन्स क्या है, उसी का नाम है ना, सेम ही और क्या, एल्काइन्स देखेंगे, दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैव वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स, उसमें डबल होता था, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा अलोंग विद द सिंगल बॉन्ड, डबल वाला भी सिंगल से बॉन्ड बना रहा था इससे पहले वाले में, और यहां पर ट्रिपल वाला भी सिंगल से ही बॉन्ड बना रहा था। जी, अलोंग विद सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्काइन्स। अ ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कार्बन एटम, दो कार्बन एटमों में के बीच में तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर होंगे तभी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2, वही है फिर, इफ एन एल्काइन हैव टू कार्बन एटम देन इट्स फॉर्मूला इज C2H2 into 2-2, C2H2 बन जाएगा इथेन। इफ देयर आर थ्री कार्बन एटम इन द एल्काइन देन इट फॉर्मूला मस्ट बी C3H2 into 3-2, और वो प्रोपेन बन जाएगा। द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ध्यान देंगे, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड इज टू बिकॉज फॉर्मूला ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज पॉसिबल ओनली बिटवीन टू कार्बन एटम्स। ठीक है, क्या फॉर्मेशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज पॉसिबल ओनली बिटवीन, तो मैं क्या कर रहा था, फॉर्मूला, अच्छा, because formation of double or triple bonds is possible only between two carbon atoms, ठीक है, वो देखने में दिक्कत होगी, समझ में आप लोगों को, अब आया चूहिया पहाड़ के नीचे, how to draw the structure of saturated and unsaturated compound, देखा, देखा इधर लाना सर, तो बेटा ये 23 मिनट में क्या गाना गाऊं अभी, बुक दिखाने को जो पकड़िए इसको, देखिए यहाँ पे इथेन है C2H6, ठीक है, इथेन है C2H6, और हमें क्या करना है कि इसका ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर, कि इथेन का स्ट्रक्चर कैसे बना, हमने ये जो C2H6 फॉर्मूला लिखा है आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे, और इसको जब शो करना हो पूरा स्ट्रक्चर तो आप किस तरह करेंगे, इसमें टू स्टेप्स आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप ये है कि देखो इन इथेन टू कार्बन एटम आर प्रेजेंट, इथेन में कार्बन के कितने एटम्स हैं, ऊपर ही फॉर्मूला में दिख रहा है कि टू कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसके बाद टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड द फर्स्ट स्टेप इज टू लिंक द टू कार्बन एटम टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड। आपको पता है कि यह है सिंगल बॉन्ड, ये दो कर दे तो डबल, ये ट्रिपल, ये पता है हमने यहां सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि दोनों कार्बनों को सिंगल बॉन्ड के साथ हमने दिया जोड़, ठीक है,
फर्स्ट स्टेप का काम खत्म। अब देखेंगे कि ईच ऑफ दीज अनसेटिस्फाइड वैलेंसी, सॉरी यहां देखिए, हियर ओनली वन वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार। और आपने यहां पर एक ही, जैसे बेटे कार्बन का सिक्स होता है तो के और एल, यहां पे टू और यहां पे कितना हो गया फोर। अब यहां कितना, फोर की जगह बची है। आपने एक के साथ बॉन्डिंग की तो अभी ये तीन साइड से जगह है इसके पास, इसके पास भी तीन साइड से जगह बची हुई है, एक तरफ से कार्बन से जुड़ गया, समझ रही बात। अब हमने क्या किया, एक तरफ कार्बन से बॉन्डिंग जुड़ी हुई थी, हमने तीन तरफ से हाइड्रोजन से इसको जोड़ दिया। यहां तक समझ में आया? आगे देखें, here only one valency of carbon is satisfied, इसलिए हमने क्या किया, three valency of each carbon atom remains unsatisfied, और इसको satisfied करने के लिए हमने hydrogen के atoms इसको जोड़ दिया। अब देखेंगे, the tetravalency of carbon is in ethane is satisfied, तो अब tetravalency जो होगी इसकी वो complete हो गई। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अब देख सकते हैं, हाइड्रोजन का एक एटम जा रहा है, कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक, कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक, कार्बन का एक, ये कार्बन का एक इधर गया, ये कार्बन का इधर गया, ठीक है ना, समझ रहे। और इस तरह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया C2H6 नाम का, तो दिक्कत समझ रहे। मैं ये कह रहा हूं यहां तक आपको समझ में आया। हमने क्या किया, अब ये शो करने के लिए ये डॉट हमने हाइड्रोजन का दे दिया, कभी ये ऊपर कभी नीचे, इस तरह से, मतलब ये बताने के लिए कि कार्बन एक दे रहा है हाइड्रोजन एक दे रहा है, बस इस चीज को शो करने के लिए, ठीक है ना। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कार्बन का एक, तो दोनों जुड़ जा रहे हैं। हाइड्रोजन हमेशा क्या देगा, हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर वन, के सेल में वन दे दिया तो वन की जगह बाकी है ना, तो जब भी देगा वन देगा, और इसने एक एक तो दे ही दिया था अपना, तो ये जब भी दे सकता है तो तीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है, जुड़ रहा है, क्लियर है ना। यस सर, अब क्लियर हुआ। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हैं, अभी और कराएंगे, चिंता मत करिए, लेकिन